खम्मागणी दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का मेरे चैनल व्हील्स ऑफ विस्की के अंदर। नया दिन नया सवेरा और नई विस्की जो मैं आज लेके आया हूँ अनबॉक्स करने के लिए वो है ब्लेंडेड स्कॉच विस्की है जो प्रोड्यूस करता है शिविस ब्रदर, बट इट्स अ पार्ट ऑफ पर्नो रिकार। मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि जो पर्नो रिकार कंपनी है वो फ्रेंच बेस्ड कंपनी है जो अल्कोहलिक बेवरेजेस बनाती है, और इसके कई ब्रांड्स आप लोगों ने पी रखे होंगे, मे भी शायद आप लोगों ने कभी ध्यान नहीं दिया होगा। जो ये ब्रांड्स बनाती है वो है 100 पाइपर्स, रॉयल स्टैग, ब्लेंडेड स्प्राइट, इंपीरियल ब्लू एंड एब्सोल्यूट वोदका। ए क्या बोलती तू, क्या मैं बोलूं, सुन सुना मुंह में लोगे क्या? अबे साले जैक की जात का जूता मारूं तेरे को तो मैं। यार मैं तो पैक की बात कर रहा था, वो तो मुंह में लोगे ना। तू साले क्या वहां से पीता है क्या? अबे टेस्टिंग नोट्स आएंगे ना, ले लूंगा मुंह के अंदर। शिविस रीगल 12 ईयर जो विस्की है, इट्स अ ब्लेंड ऑफ डिफरेंट माल्ट्स एंड ग्रेन फ्रॉम स्कॉटलैंड, और उनको एज किया जाता है मिनिमम 12 साल के लिए। अब मैं आप लोगों को बता दूं कि ब्लेंड का मतलब क्या होता है। ब्लेंड का मतलब ये होता है कि जो डिफरेंट डिस्टिलरीज है विस्कीज की, वहाँ से विस्कीज लाई जाती है, उसके बाद उन विस्कीज को एक पर्टिकुलर फार्मूले के अंदर ब्लेंड किया जाता है। पर्टिकुलर फार्मूला इसलिए यूज लिया जाता है कि हर टाइम इसका जो टेस्टिंग नोट्स और स्मेल है एवरीथिंग वो सेम रहे, वो चेंज नहीं हुए। तो डिफरेंट विस्कीज को ब्लेंड करने के बाद जो विस्की बनाई जा रही है उसे ब्लेंडेड विस्की कहते हैं। चिविस रीगल जो अपनी विस्कीज बना रही है, अपनी विस्कीज जो मैन्युफैक्चर कर रही है, वो अपना होम मानती है स्ट्रैथाइवा डिस्टिलरी है जो स्पेसाइड रीजन में है स्कॉटलैंड के अंदर। बिकॉज इस विस्की के अंदर जो ब्लेंड्स यूज ले रहे हैं वो बेसिकली यहीं से आते हैं, और दिस इज द फर्स्ट डिस्टिलरी विच इज परचेज बाय चिविस ब्रदर। आप लोगों की जानकारी के लिए मैं बता दूं, अगर आप लोग कभी लंदन विजिट कर रहे हैं तो आप इस डिस्टिलरी स्ट्रैथाइवा को विजिट कर सकते हैं। इसका ऑनलाइन टिकट्स भी बुक हो सकता है, चिविस रीगल की वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं। टोटल 5 टूर्स हैं इसके, अगर आप सारे टूर विजिट करना चाहते हैं तो लगभग 16,500 रुपए इंडियन करेंसी में आपका खर्चा आता है। वहां पे आप डिस्टिलरी टूर, ब्लेंड्स टूर, और कैसे विस्की बनती है, टेस्टिंग नोट्स, बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हैं जो आप लाइव देख सकते हैं, जाके लाइव एक्सपीरियंस कर सकते हैं और उसे एंजॉय कर सकते हैं। चिविस रीगल जो विस्की है इसकी प्रोडक्ट लाइन बहुत लंबी है। चिविस रीगल 12 ईयर जो मैं आज आप लोगों को दिखा रहा हूँ, इसके अलावा चिविस रीगल 18 ईयर्स, चिविस रीगल एक्स्ट्रा, चिविस रीगल 25 ईयर्स, और इसके अलावा भी इसकी बहुत लंबी प्रोडक्ट लाइन है। इस विस्की के ऊपर चिविस ब्रदर लिखा हुआ आता है। बेसिकली ये कहानी है दो भाइयों की, इस स्कॉच के पीछे दो भाइयों की कहानी है, जेम्स एंड जॉन चिविस, जिन लोगों ने इस विस्की को ईजाद किया था, इस ब्लेंडेड विस्की को बनाया था, और यही विस्की आज मैं आप लोगों के पास लेके आया हूँ। तो हम इस विस्की का 360 डिग्री व्यू ले लेते हैं। Thank you.
अब हम एक बार बॉटल इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं कि इस बॉटल पे क्या क्या चीजें हैं जो लिखी हुई है। एस्टेब्लिश्ड 1801 एबरडन। एबरडन एक प्लेस का नाम है जहां से इन दोनों भाइयों ने, शिविस ब्रदर्स ने अपनी जर्नी स्टार्ट करी थी। उसके बाद आप देखेंगे इस बॉटल पे एंग्रेव हुआ हुआ है, एक सिंबल है, ये सिंबल है लकिनबूथ सिंबल, स्कॉटिश मोस्ट रोमांटिक स्कॉटिश सिंबल है ये ऑफ लव, जो ब्रदरहुड है इनके, भाईचारा है उसको दर्शाता है। ये सिंगल हर्ट या जो दो हर्ट उनको ज्वाइन कर रहा है ऐसा सिंबल होता है। उसके बाद इस कंपनी का जो इनका लोगो है, प्रिंस ऑफ विस्कीज लिखा हुआ है, शिविस रीगल एज 12 ईयर, 12 साल जो इसकी एज है। उसके बाद ब्लेंडेड स्कॉच विस्की प्रोड्यूस ऑफ स्कॉटलैंड, एक लीटर की बॉटल है और जो अल्कोहल वॉल्यूम है वो है 43% अल्कोहल वॉल्यूम। अब इस विस्की को मैं एक बार टर्न कर लेता हूँ। सिंबल है यहाँ पे शिविस रीगल का, जेम्स एंड जॉन शिविस ब्रदर का जो नाम है वो इंग्रेव करा हुआ है इन लोगों ने यहाँ पे। शिविस रीगल एज 12 ईयर जो इनकी एज है, बारकोड है। उसके बाद ब्लेंडेड स्कॉच विस्की, कंट्री ऑफ ऑरिजिन स्कॉटलैंड है, इसके इंग्रेडिएंट्स दे रखे हैं, इसमें क्या क्या चीज़ें यूज़ की गई है, वाटर है, परमिटेड नेचुरल कलर्स है इसके अंदर, अल्कोहल वॉल्यूम 43%, एक लीटर की बॉटल है, बैच नंबर दिया हुआ है, डेट दी हुई है और लास्ट में कंपनी की इंफॉर्मेशन दी हुई है कि कहाँ बनाती है। इसके अलावा मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि अगर मैं इसका जो मेन बाहर का ये बॉटल का लूँगा, इसके अंदर ये इन्होंने एक शिप बनाई हुई है। इस शिप का मतलब है पोर्ट ऑफ एबरडीन, जहाँ से दोनों भाइयों ने अपनी जर्नी स्टार्ट करी थी, उसी चीज़ को ये शिप दर्शा रहा है। उसके अलावा जो इन दोनों भाइयों की जर्नी थी, इनका प्यार था, इनका ब्रदरहुड था, उसके बारे में एक स्टोरी लिखी हुई है यहाँ पे, आप देख सकते हैं। इसके अलावा कंपनी की जो वेबसाइट है, कंपनी का जो एड्रेस है, इसकी लिक्विड कंटेंट है, इसकी एजिंग है, वो सब चीज़ लिखी हुई है। अगर आप टॉप पे देखेंगे तो लकिनबूथ जो सिंबल है वो सिंबल आपको दिखेगा और ये सिंबल आपको शिविस रीगल की जो डिस्टिलरी है उनके गेट के ऊपर भी मिल जाएगा। अब हम अवार्ड्स की बात कर लेते हैं, कौन कौन से अवार्ड्स ये विस्की जीत चुकी है। द स्कॉच विस्की मास्टर्स 2015 में इसने जो गोल्ड जीता था वो था ये वाला, और इंटरनेशनल वाइन एंड स्प्रिट कॉम्पिटिशन में 2015 के अंदर इसने गोल्ड जीता था ये वाला। तो अब हम इस स्कॉच विस्की को टेस्ट कर लेते हैं। हम कलर की बात कर लेते हैं, इसका जो कलर है वो वार्म अंबर कलर है और मैं इसको अगर स्मेल करता हूं तो वाइल्ड हर्ब्स जो होती है उसकी थोड़ी बहुत स्मेल आ रही है। बैक पिच में मेरे को जो शहद होता है, हनी, उसका भी इसमें से स्मेल आ रही है। आपके ऑर्चर्ड फ्रूट्स जो होते हैं, थोड़ा बहुत फ्रूटी स्मेल भी है इसके अंदर, तो बहुत ही अच्छा बैलेंस्ड स्मेल है इसका। तो इस स्कॉच को हम एक बार टेस्ट कर लेते हैं। जो फर्स्ट टेस्ट मेरे दिमाग में आ रहा है इसको लेने के बाद वो आ रहा है एप्पल्स का, कि बहुत सारे एप्पल्स का जो फ्लेवर है वो फ्लेवर मेरे को इसमें थोड़ा बहुत आया है। अपना जो हेजलनट्स है उसका फ्लेवर आ रहा है, बटर स्कॉच का आ रहा है, और जैसे ही आपके गले से उतरेगी आपको एक वार्म फीलिंग देगी। और मैं ये नहीं कहूँगा बहुत ज़्यादा स्मूथ है ये विस्की, स्मूथ मैं नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ आपको एक करंट देगी और बहुत ही अच्छा करंट है वो, बहुत ही सूदिंग लगेगा आपको इसको लेने में। और एप्पल का जो टेस्ट मैं बता रहा हूँ आपको, जो बैकग्राउंड में एप्पल का जो टेस्ट है और थोड़ा बहुत हनी का टेस्ट है वो मेरे को इस विस्की के अंदर आ रहा है। सो कैप्टन साहब, आपके क्या एक्सपर्ट व्यूज है इस विस्की के बारे में? जनाब, ग्लास में थोड़ा सा पैक बना के पीने से क्या पता लगता है हा? तो फिर आपके हिसाब से इसको कितनी क्वांटिटी में लेना चाहिए? हमारे हिसाब से पियो तो हद कर दो, वरना प्रोग्राम रद्द कर दो। सो अब हम क्वांटिटी और प्राइस की बात कर लेते हैं। ये वाली विस्की मैंने जयपुर की ड्यूटी फ्री जो शॉप है वहाँ से परचेज करी थी।
और उस टाइम पे एक ऑफर चल रहा था कि 2000 रुपीज के अंदर आपको एक बॉटल मिल जाएगी, लेकिन आपको दो परचेज करनी पड़ेगी, तो टोटल 4000 के अंदर दो बॉटल्स मैंने परचेज करी थी, तो एक बॉटल की कीमत मुझे 2000 रुपए पड़ी। यहाँ पे अगर मैं राजस्थान जयपुर की बात करूँगा तो ये विस्की जो है 3500 रुपए की मिलती है, क्वांटिटी इसकी 750 ml रहती है। हालांकि ड्यूटी फ्री शॉप से जो मैंने परचेज करी थी उसकी क्वांटिटी 1 लीटर थी, तो 3500 के अंदर ही विस्की आपको राजस्थान में अवेलेबल हो जाएगी 750 ml क्वांटिटी के अंदर। अब आपका सवाल रहेगा कि इस विस्की को हम कैसे लें, मैं आपको बता देता हूँ। आप एक ग्लास लीजिए, 60 ml का पैक बनाइए और उसके बाद उस पैक में से थोड़ा बहुत नीट टेस्ट कर लीजिए, उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि इस विस्की में क्या क्या फ्लेवर्स है, क्या इसका स्वाद आ रहा है आपको, क्या टेस्ट आ रहा है। उसके बाद आप इसके अंदर बर्फ ऐड कर सकते हैं, पानी ऐड कर सकते हैं, दोनों भी ऐड कर सकते हैं, बट सोडा मैं सजेस्ट नहीं करूंगा, बिकॉज जो सोडा के वेपर्स हैं वो विस्की के टेस्ट है उसको किल कर देते हैं और आप पूरा टेस्ट नहीं ले पाएंगे उस विस्की का। इसके अलावा आप चाहें तो इसको आप कोक के साथ भी पी सकते हैं, बट बात ये रहेगी जो टेस्ट है बहुत डेलिकेट टेस्ट आएगा उसका, अच्छा टेस्ट आएगा, बट जो स्मेल है वो स्मेल पूरी किल हो जाएगी, तो स्मेल आप नहीं ले पाएंगे, अदरवाइज आप ड्रिंक को जरूर एंजॉय कर पाएंगे। सो इट्स टाइम टू से गुड बाय, मैं आप लोगों से इजाजत लेना चाहता हूँ। अगर आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन या क्वेरी है आप मुझे लिख सकते हैं, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, और मेरे कमेंट्स के अंदर आप आपके व्यूज शेयर कर सकते हैं, और कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे लिख सकते हैं, एंड थैंक यू फॉर टुडे।